सोने की चिड़िया कहलाते थे, हमें बेरोजगारों का कबूतर खाना बना दिया सर। जो कम से कम कर दे कि भैया हम हर वकील अगर ये कह दे कि बेहतरीन वकील की एक केस हम लेंगे दो केस लेंगे तो शायद महिलाओं को एक अच्छा परमानेंट साथी मिल जाएगा और उन्हें लगेगा कि कानून की लड़ाई में वो अकेले नहीं है। भारत वाले किस चीज पे, पूरे विश्व पे हम किस लिए जाने जाते हैं? एक अच्छे सभ्यता और संस्कृति के वजह से, वरना पैसे के मामले में हमसे लाख अमीर देश है यहाँ पे। लेवल की जो भी पार्टियां हैं या जो भी पॉलिटिक्स है वो आपके इर्द गिर्द घूमता है, खुशी की हिम्मत नहीं है ना, चाहे जितना भी पीएससी में दहेज ना लिया जाए इसके लिए 10 पन्ना का निबंध लिख के लाएगा और अपने 1 करोड़ दहेज ले लेगा। सोशल मीडिया का जमाना, एक तो हमेशा कहते हैं कि जितना सोशल मीडिया पे महिलाओं की इज्जत होती है काश उतना धरातल पे हो जाता, बाप रे बाप, कोई शिकायतें नहीं थी। 300 से ज्यादा लोग थे, उन सारे लोगों की सेफ्टी से एक इंसान की भी उसमें मृत्यु नहीं हुई और महिला एयर होस्टेस ने ही सारे लोग को एवोकेट करा के बाहर निकाल दिया। तो महिलाओं को जब जब मौका मिला उन्होंने साबित किया है। आज आप देखिए मेडिकल इंडस्ट्रीज में डॉक्टर नर्स कितना बेहतरीन ढंग से महिलाओं को मौका मिला उन्होंने करके दिखा दिए। यहाँ पर आज वो हमारे मेडिकल सेक्टर की बैकबोन है, हमारी आशा जो आंगनबाड़ी तक चला रही है वो एक लास्ट माइल स्टोन तक पहुंच सकी है। तो जहां भी उन्हें मौका मिला है उन लोगों ने उस चीज को करके दिखाया है। हमारा बैंकिंग सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, हर फील्ड में, ये तो वो सेक्टर है जहां वो डोमिनेट कर रही है, जहां उनका वर्चस्व है। यहाँ पे ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां वो आगे नहीं बढ़ सकी है। उन्हें थोड़ा बहुत क्या है कि एजुकेशन के नाम पे आज भी ग्रामीण क्षेत्र में उतना आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो बाकी आप लोग महिला विकास मंच वाले अब तो आ ही गए हैं, अब उनके लिए आप लोग लड़ ही रहे हैं, आगे लड़ते रहिए उनके लिए। लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी है, किसी भी महिला के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक पुरुष पढ़ता है तो अपने लिए पढ़ पाता है, क्योंकि वो जॉब में लगने के बाद एक पिता को फुर्सत कहाँ मिलती है समाज के बाद देखने को, माँ ही होती है बच्चे को पढ़ाती है। इसलिए पुरुष के साथ साथ महिलाओं का पढ़ा होना जरूरी है। और हम लोग तो पटना के वो ऐसे जगह से हैं जहाँ की हमारी मेयर भी महिला ही हैं और ये बहुत सौभाग्य की बात है यहाँ पर और इतने लंबे समय से। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप भी प्रेरणा की एक स्रोत हैं महिलाओं के लिए, ताकि अगर कोई भी पढ़ लिख के आगे पढ़ेगा तो उसके लिए आज के समय में जो भी महिलाएं आगे गई हैं वो एक प्रेरणा का स्रोत है कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। कई बार ऐसा होता है कि महिला लोग कहने लगती हैं कि हम पुरुषों से कम है क्या? अच्छा ये बताइए, कई मामले में तो आप लोग पुरुषों से आगे हैं, तो क्यों अपने आप को पीछे खींच के ले आना चाह रही हैं कि हम पुरुषों से कम है क्या? बहुत सारी चीजों में होते हैं आप लोग बेटर हैं। किसी किसी में पुरुष जैसे कोई शारीरिक श्रम करना है तो नेचर ने उन्हें उसी हिसाब से बनाया है, उसमें वो आगे निकल रहे हैं। आप बहुत सारी चीजें हैं जैसे घर का मैनेजमेंट है, बच्चे का पालन पोषण है, एक नई पीढ़ी को आगे लेके जाना है, उसमें आप लोग बेटर है। तो फिर अपने आप को क्यों पीछे लाने की कोशिश कर रही है कि हम महिलाओं से कम है क्या? तो हर फील्ड में जिस फील्ड में रहे आप लोग उस फील्ड में बेटर काम करें। आप एक चीज और, अभी के टाइम पे एजुकेशन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि पढ़ाई लिखाई करके एक डिग्री ले लेना। जरूरी नहीं कि आप एजुकेशन के नाम पे नौकरी ही लीजिएगा। कई गांव में ऐसे लोग कहते हैं कि हम लड़की को कहे पढ़ाएंगे, हमको नौकरी नहीं कराना है। अरे भैया पढ़ाइए उस दिन के लिए जब बेटी पर कोई बड़ा विकट परिस्थिति आएगी ना, तो उस दिन वो दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएगी बल्कि पढ़ी रहेगी, तो अपने पैरों पे खड़े होकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है यहाँ पर। तो वो दिन देख के अपने बच्चियों को पढ़ाइए, क्योंकि एक समय आएगा वो किसी से हाथ नहीं फैलाने जाइए। और जब अपने पैरों पर डिपेंडेंट हो जाइए तो डिपेंडेंट होने का अर्थ होता है क्या चीज, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेना। ये नहीं कि हमें डिपेंडेंट, अगर हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। इंसान एक सामाजिक जीव होता है, समाज में हम सब की जरूरत होती है, चाहे हम जितने भी डिपेंडेंट हो जाएं, चाहे जो भी इतना भी आगे बढ़ जाए, समाज को छोड़ के हम नहीं रह सकते हैं यहाँ पे। और समाज बनता है किससे, कई सारे परिवारों को मिला के, और परिवारों को एक में जोड़ने का काम करती है महिलाएं वहां पर, इसलिए उनको तो पढ़ना और ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पर। और कई सारी बाधाएं आएंगी, सबके जीवन में आती हैं, आप लोग को भी बहुत सारा संघर्ष देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया का जमाना, एक तो हमेशा कहते हैं कि जितना सोशल मीडिया पे महिलाओं की इज्जत होती है काश उतना धरातल पे हो जाता, बाप रे बाप, कोई शिकायतें नहीं थी। वहां पे देखिएगा तो ऐसा कहा जाएगा कि ये धरातल पे आने के बाद लोग भूल जाते हैं। यूपीएससी में दहेज ना लिया जाए इसके लिए 10 पन्ना का निबंध लिख के लाएगा और अपने 1 करोड़ दहेज ले लेगा। अरे भैया ये क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो दहेज जैसी समस्याओं को, तो हम तो महिला विकास मंच से भी एक चीज कहेंगे कि इस पे भी कोई विचार किया जाए कि जिन महिलाओं को दहेज नहीं लिया जाता है और जो दहेज लिया जाता है, उन दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस रहना चाहिए कि समाज को भी मैसेज जाए
कि अगर दहेज नहीं लिए तो देखिए किस तरह से आपके परिवार को समेट के रखा गया है, टूटने से बचाया गया है। तो एक काम ये भी तो हम लोग कर सकते हैं, आप लोग ज्यादा है, आपकी आवाज ज्यादा महिलाओं के बीच में, आप लोग उनके ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। जैसे हम तो एक शिक्षक है तो हम सबसे बेहतर ढंग से बच्चों की प्रॉब्लम जानते हैं, उस तरह से आपका जुड़ाव महिलाओं से शायद उस प्रॉब्लम को भी आप जानती होंगी जिसे वो पब्लिकली नहीं बोल पाती है। इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत योगदान करती है। आप देखिए किसी भी, अभी संसद में हम लोग का नया बिल आया है वुमेन रिजर्वेशन के लिए, 1/3 रिजर्वेशन हुआ। अब जाने अनजाने में ना आप लोगों ने पता नहीं कैसे यूनिटी ला दिया है कि पूरे नेशनल लेवल की जो भी पार्टियां हैं या जो भी पॉलिटिक्स है वो आपके इर्द गिर्द घूमता है। खुशी की हिम्मत नहीं है ना, चाहे जितना भी अब जाने अनजाने में हुआ या कैसे भी हुआ, बस इतना यूनिटी है महिलाओं में कि किसी भी देश के चाहे प्रधानमंत्री हो या कुछ भी हो, उन्हें पता है कि अगर महिलाओं ने हमारा राष्ट्र साथ छोड़ दिया तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। ये आपके यूनिटी और आपके दबाव का ही नतीजा है कि 1/3 आप लोग को संसद में आप लोग को प्रस्ताव पारित हो गया। अब जितना जल्दी वो लागू हो सके, अब क्या है भैया, अब कहा जाता है ना कि लड़का हुआ तो मुंडल होबे करेगा। अब जब प्रस्ताव आ गया है तो आज नहीं तो कल लागू होगा ही होगा यहाँ पर। तो ये आप लोग का एक यूनिटी है, तो आप अगर एक साथ यूनिटी में रहे तो हमेशा से आपने अपने लिए अच्छा काम किया यहाँ पर। और इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ नैतिकता भी होनी चाहिए। कभी ये भावना नहीं होना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं तो इसका हम घमंड दिखाएं, ये कभी नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखने का मतलब होता है और ज्यादा शालीनता होना, जितने ज्यादा पढ़ेंगे जितना ज्यादा गहरा पानी होगा और शांत होता है। तो ये चीज हमारे मन में भावना रहना चाहिए, वरना पुरुष समाज होता है क्या कि मेल की 10 गलती माफ, महिला की एक न माफ होगा यहाँ पे। इसलिए हमें फूक फूक के कदम चलना है यहाँ पे, इसलिए सोच समझ के चलना होगा यहाँ पे। हम देख रहे हैं हम समाज को, ऐसा ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा, आपने समाज में खुद देखा होगा यहाँ पे। और हम लोग की भी ये क्या एक मेंटेलिटी होती है, मेल हो या पुरुष हो या महिला हो, अब देखिएगा हमारे साथ कौन अच्छा किया ये हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन गलत कब था ये हम लोग आखिरी सांस तक याद रखे रहते हैं। तो इसलिए हम लोग को ये चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि अपनी थोड़ा भाषा शैली हो गई, या जब हम पढ़े लिखे हैं तो कई बार हम लोग को थोड़ा सा कृष्ण भगवान की जहर जहर पीना पड़ा था, उन्हें भी नहीं बहुत बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता रहता है वहाँ पे। तो हम लोगों को भी समाज में कई बार ऐसा होगा कि कुछ बातें ऐसी बोली जाएगी जो बर्दाश्त नहीं हो सकती है, लेकिन समय के हिसाब से आदमी को कामयाब होकर उसका जवाब देना है। तुरंत जवाब देने में लग जाएंगे तो ठोकर खा जाएंगे। आज से 15-20 साल पहले जब आप लोगों ने महिला विकास मंच की शुरुआत की थी तो उस समय आप लोग को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, आपने संघर्ष किया यहाँ पहुंचा, आप इस स्थिति में आ गई है कि आप जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर रहे हैं आज आपको सारे बैनर हमारे उतार दिए हैं, कार्यक्रम आज 150 बैनर उतरे हैं टोटल, ये हमारा आज भी हो रहा है, पर हम रिले नहीं है, आपकी ताकत, आप सब जैसे लोगों की ताकत हमें हिला दी। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है, रास्ते में रुकावट आते भी रहते हैं यहाँ पर, वरना फिर सबको एकदम बिना संघर्ष किए ही अगर आप आगे बढ़ जाइएगा तो सफलता के बाद कहानी क्या बताइएगा क्या बताइएगा कि तकलीफ ही नहीं था, आप क्या कहानी बता दे। खाना बनाने में जैसे आप लोग को बहुत तकलीफ नहीं होती है, तो क्या कभी मंच पे आके कहिएगा कि खाना बनाए थे, तो ये तकलीफ ही तो है, इसे सजो के रखिए कि एक समय जब राष्ट्रीय मंच पे जाएंगे तो हो सके तो आप दिल्ली में जाके इस बात को कहें और पूरी दुनिया से सुने कि आपको कितना संघर्ष करना पड़ा था। सबके जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन वही संघर्ष काम जब तक कामयाब नहीं होते हैं वो संघर्ष किसी काम का नहीं, लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर देंगे यहाँ पर। फिर भी आप सबको कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाइए, दो रोटी कम खाइए, लेकिन उन्हें पढ़ाइए, इसलिए नहीं कि उन्हें नौकरी करना है, बल्कि इसलिए कि जब विकट परिस्थितियां आए तो अपने पैरों पे खड़े हो जाए यहाँ पर। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भारत वाले किस चीज पे, पूरे विश्व पे हम किस लिए जाने जाते हैं, एक अच्छे सभ्यता और संस्कृति की वजह से, वरना पैसे के मामले में हमसे लाख अमीर देश है यहाँ पे, हर चीज है। हमारे इतने दिन हम गुलाम रहे, कभी कभी विदेशी आक्रांताओं का तो कभी हम लोग अंग्रेजों का, हमसे बहुत सारी चीजें छीन ली गई, सोने की चिड़िया कहलाते थे, हमें बेरोजगारों का कबूतर खाना बना दिया सर, सोने की चिड़िया से हम लोग को। लेकिन एक चीज है जो हमसे कोई नहीं छीन सका, हमारी सभ्यता और संस्कृति, और ये जब तक दुनिया रहेगी भारत की सभ्यता और संस्कृति रहेगी, और ये हम सारे महिला पुरुष सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है इस धरोहर को बचा के हम लोग रखे रहे। हम लोग को मॉडर्न बनना है लेकिन वेस्टर्न नहीं बनना है, मॉडर्न बनने के चक्कर में हम लोग को वेस्टर्न नहीं हो जाना है यहाँ पे। आप जितना आगे जा सकते हैं लेकिन अपनी संस्कृति में रख के आगे बढ़े आप लोग को, हमारी यही शुभकामनाएं है, और सारे देश की महिलाओं के साथ भी है कि आप यूनिटी यूनाइटेड होके रहिए। लोगों को आदमी कुछ कहे, अभी लोग तो मीडिया को बचा के रखे हैं जी, वरना हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया तो 161 नंबर पे चल गई, तो आप लोग बचा के रखे हैं, तो थोड़ा आप लोग भी अपना
थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए आप लोग, आगे बढ़िए, आप लोग भी लोगों के मुद्दों को ऐसे ही उठाते रहिए। और पिछली बार जब हम आए थे तो हमको बोला गया था कि कोई सिलाई मशीन के लिए यहाँ पर, तो हम आप ही बताई दी तो भाई हमने आपको मिले थे आप लोग को, तो आपने बोला था सिलाई मशीन के लिए, हमको नहीं आता है वो सब, लेकिन आप लोग के अंदर ये गुण है और ये अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें रहनी चाहिए यहाँ पे, कि आपके अंदर इतनी क्वालिटी होना कि सामने वाला इसी में कंफ्यूज हो जाए कि भैया ये जैसे कोई पढ़ लिख के नौकरी कर लिया, एक क्वालिटी है पढ़ लिख के नौकरी कर लिया, बट आप लोग क्या है कि इतनी सारे चीज़ों को जानना है, घर को संभालना, सिलाई मशीन, ये वो चीज़ें, ये सब पहले हम लोग के यहाँ पे ये कल्चर हुआ करता था। इस चीज़ को भी नहीं छोड़ना है, अपने पुराने धरोहर को भी बचा के रखना है यहाँ पे, और कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना है हम सब लोग को ना, शब्दों का प्रयोग बड़ा सोच समझ के करना है ना, ये बड़ा आज के समय में ना वो है कि थोड़ा सा शब्द आगे पीछे हुआ फिर आपको कितना जवाब देना पड़ेगा जिसका कोई हद नहीं, और थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि अगर कहीं पर भी जवाब भी देना हो तो कई बार जीवन में ऐसे समय आते हैं जब आपको लगेगा कि नहीं इतना अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो अब जवाब दीजिए लेकिन थोड़ा रुक के, जरूरी नहीं जैसे कभी किसी देखते हैं कि माँ जो होती है पिता होते हैं कभी बच्चे को डांट देते हैं, बच्चे सब को भी समझ में नहीं आता तुरंत जवाब देने लगते हैं, थोड़ा सा अगर दो आदमी गुस्सा है ना तो एक आदमी अगर अपने को कंट्रोल करके थोड़ा देर में भी जवाब दे देगा तो बहुत सारे रिश्ते शायद टूटने से बच सकते थे यहाँ पर। जितना बेहतर आपको अपने रिश्तों को बचाना होता है, जितना जरूरत से हम अपने परिवार को समझ सकते हैं, शायद तीसरा आदमी नहीं समझ सकता है। देखिए तीसरा आदमी फैसला कर सकता है, न्याय नहीं, न्याय और फैसले में अंतर होता है, जरूरी नहीं कि हर एक फैसला न्याय ही हो जाए, डिसीजन इज नॉट जस्टिस। तो कई बार हमें अपने परिवार को खुद से संभाल के रखना पड़ता है, तो कई बार जहां ना चाह के भी वहां चुप रहना पड़ता है, तो ये सब चीजों को आप लोग को आगे डिप्लोमेसी के तौर पे देखते रहिएगा इस सब चीज़ों को, बाकी आगे कभी भी जरूरत रहेगी तो हम आप लोग के साथ हमेशा खड़े हैं। आज भी हमारे यहाँ जितनी बच्चियाँ पढ़ने आती हैं उन सब एक चीज़ हमने फील किया था कि लड़कियों को पढ़ने से रोकने के कई कारण थे, कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ पुरानी मानसिकताएं थी, उसमें एक ये भी कारण था कि जब बच्चियाँ स्कूल और कॉलेज में जाती थी पढ़ने तो वहाँ वो सुरक्षित नहीं रहती थी, लेकिन इस चीज़ को हम लोगों ने इस चीज़ को बखूबी समझा और आज भी हमारे यहाँ जो भी बच्चे बच्चियाँ पढ़ने आती हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है यहाँ पर। और पटना की क्या बात करेंगे, जब यहाँ की महापौर यहाँ की मेयर ही महिला है यहाँ पे, तो यहाँ महिलाओं को दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग को भी आगे जहाँ कहीं पर हो एक दूसरे का समर्थन सपोर्ट करके ही आगे बढ़ते रहना चाहिए यहाँ पर। कभी अगर आपको जल्दी पहुँचना है तो अकेले दौड़ जाइए, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ चलना ही पड़ेगा यहाँ पर, एक दूसरे से सीखना पड़ेगा, एक दूसरे के ठोकरों से हमें सबक लेना पड़ेगा, वरना खुद से ठोकर लगते जाएंगे तो ये जन्म तो ठोकरे खाते में खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो अपने अगर कोई सामने वाला आदमी हमसे अनुभवी है, कुछ समझाता है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा हम ही सही होंगे, कई बार हमें लगता है कि हमारा डिसीजन सही होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है कि हमसे छोटे लोग हमसे बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो एक चीज जरूर रखिएगा कि हर इंसान कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। जिस दिन हम लोग पूर्ण हो गए ना, भगवान बुला लेगा, आ जाओ बाबू तुम बहुत अच्छा हो गया, अब तुम्हारी जरूरत ऊपर है, आ जाओ। तो पूर्ण नहीं हो सकते हम लोग, और कोई इंसान एक दूसरे से, हर इंसान एक अपने आप में यूनिक है। कई बार हम लोग कहते हैं महिला और पुरुष बराबर है, अरे पुरुष पुरुष के बराबर नहीं है, महिला हर महिला दूसरे महिला से अलग है, हर पुरुष अपने से अलग है, शायद इनकी क्षमता अलग है, दूसरे की क्षमता अलग है। हमें अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है और अपनी क्षमता का 100% दे और राष्ट्र निर्माण में कैसे मदद कर सके। और आप सबसे एक चीज जरूर कहेंगे कि एक काम जरूर ऐसा कीजिए, कोई ऐसा यूनिटी बनाइए, कुछ ऐसा कीजिए ताकि महिलाओं के साथ अगर कोई अपराध हो तो उन्हें बढ़िया वकील न मिल सके, ये चीज जरूर कीजिएगा। महिलाओं के साथ जघन्य अपराध करने के बाद भी बेहतरीन वकील मिल जाते हैं और केस लड़ा के अपराधी को छुड़ा के लेके चले जाते हैं। कुछ ऐसा तैयार करने की जरूरत है कि महिलाओं को बेहतर वकील, जो महिलाओं को मतलब ऐसा देखते ना कई बार ऐसा होता है जघन एसिड अटैक कर दिया है, उसकी महिला के जीवन बर्बाद कर दिया वहां पे, और महिला को अच्छा वकील नहीं मिल पाता है, और जो क्रिमिनल है उसको अच्छा मिल गया यहाँ पर, वो निकल जाता है वहां पे। तो ऐसा हम लोग को भी करना चाहिए, राष्ट्रीय लेवल पे भी एक से एक वकील है, उनका भी एक कम से कम कर दे कि भैया हम हर वकील अगर ये कह दे कि बेहतरीन वकील की एक केस हम लेंगे दो केस लेंगे तो शायद महिलाओं को एक अच्छा परमानेंट साथी मिल जाएगा और उन्हें लगेगा कि कानून की लड़ाई में वो अकेले नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, हम लोग की जितना हो सकेगा हम जरूर करेंगे, हम लोग शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं और आज हमें गर्व भी महसूस होती है कि हमारे जो पहले के समय में जब हम लोग पढ़ते थे तो विद्यालयों में महिलाओं की स्थिति बहुत कम थी,
बहुत कम उपस्थिति थी, आज ऐसे ऐसे विद्यालय हो गए हैं जहां महिला और पुरुष बराबर हो गए हैं, कई जगह तो टोटल महिला कॉलेज ही है, पटना में तो विमेन्स कॉलेज की कमी नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा, समाज में उसी इंसान का सुना जाएगा आगे जाकर जिसका विद्यालय में वर्चस्व है। अगर विद्यालय में 50-50 महिलाएं हो गई तो आने वाले 10-20 साल में समाज में उनका प्रतिनिधि भी 50-50 होगा। वहां पर किसी भी समाज का, किसी भी पौधे का पहले एक बीज लगाया जाता है, उसी तरह व्यक्ति का बीज विद्यालय से लगता है। जब वहां आप देखेंगे, अब पता चलता है 70% लड़के पढ़ते हैं और 30% लड़कियां पढ़ती हैं, फिर कहां जाएंगे आपको? वही ना आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी, जज, वकील बनेंगे, कि डायरेक्ट कोई पैदा थोड़ी होता है यहाँ पे। तो एक चीज ये रखिए कि स्कूल में 50% आप अपना अधिकार ले लीजिए, देश में आपका 50% ऐसे रखा हुआ है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम विदा लेना चाहेंगे आप लोग से। बाकी हमारे ओर से शिक्षा के माध्यम से जो चीज होगा आप हमें निसंदेह बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोग को शिक्षा के माध्यम से आपके बच्चे बच्चियों को जरूर शिक्षित कर सके। सर, शिक्षा तो शिक्षा, नेतागण वादा करते हैं, जब चुनाव होता है तो नेतागण वादा करते हैं और दो कदम आगे बढ़ते हैं और भूल जाते हैं कि वादा